हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पुनः बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं वही प्रैक्टिकल वर्क की बात कर रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म बताया। अर्थवर्म आप लोगों के वैसे सिलेबस में भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं। साथ में आप लोगों को आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो नर्व लिंक की बात करने वाला हूँ, नर्वस सिस्टम की। तो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, केचुए का तंत्रिका तंत्र। देखिए, केचुए का जो तंत्रिका तंत्र है, इस केचुए के तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो बनाते हैं नर्व रिंग और एक बनाते हैं वेंट्रल नर्व कोड। एक तो नर्व रिंग और एक किसकी बात करेंगे, वेंट्रल नर्व कोड की बात करेंगे। देखिए, नर्व रिंग जो है ये थर्ड सेगमेंट में स्थित होती है। नर्व रिंग कहां पर पाई जाती है, थर्ड सेगमेंट में पाई जाती है। नर्व रिंग में यहां पर हम लोग दो गैंग्लिया की बात करते हैं। एक तो पढ़ेंगे सुप्रा फैरिंजियल गैंग्लिया और एक पढ़ते हैं सब फैरिंजियल गैंग्लिया। तो नर्व रिंग जो है, पहली चीज तो हम ये समझ ले कि गैंग्लियन क्या होते हैं। एक क्लस्टर ऑफ नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो है वो गैंग्लियन कहलाता है। अगर हमें गैंग्लियन की परिभाषा दिमाग में रखनी हो तो क्या याद रखेंगे, ए क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं का जो समूह है उसको गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन सिंगुलर वर्ड है, जबकि प्लूरल वर्ड क्या होगा बहुवचन के लिए क्या यूज करेंगे, गैंग्लिया। तो गैंग्लियन, गैंग्लिया और गैंग्लियन क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। तो नर्व रिंग तीसरे सेगमेंट में स्थित है। तो केचुए का तंत्रिका तंत्र दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आप लोग क्या बताएंगे, तंत्रिका वलय। एक तो तंत्रिका वलय और एक क्या हो गया, अधर तंत्रिका रज्जु। अब भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो नर्व रिंग है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, सुप्रा फैरिंजियल गैंग्लिया प्लस सब फैरिंजियल गैंग्लियन, और ये दोनों आपस में यहां पर एक अलग अलग गैंग्लिया को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कनेक्टिव। समान गैंग्लिया को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कमीशन। तो ये चूंकि एक तो सुप्रा फैरिंजियल गैंग्लिया है, एक सब फैरिंजियल गैंग्लियन है, इनको जोड़ने वाला यहां पर कहलाएगा, इसको बोलेंगे सरकम फैरिंजियल कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहेंगे, परिग्रसनीय संयोजक। ये कहलाता है अधिग्रसनीय गुच्छक, अधोग्रसनीय गुच्छक। अधि और अधोग्रसनीय गुच्छकों को जोड़ने वाला संयोजक क्या कहलाएगा, परिग्रसनीय संयोजक या सरकम फैरिंजियल कनेक्टिव कहेंगे। ये मिलकर यहां पर क्या बनाते हैं, नर्व रिंग बनाते हैं। क्योंकि जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स जो है वो फोर्थ सेगमेंट में आती है, ठीक है। फोर्थ सेगमेंट के ऊपर यानी कि थर्ड सेगमेंट के अंदर फेरिंग्स के जस्ट ऊपर यहां पर सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट है, और फेरिंग्स के नीचे की तरफ यानी फोर्थ गैंग्लिया के थोड़ा नीचे करते हुए सब फेरिंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट है। तो दोनों गैंग्लिया को मिलाकर फेरिंग्स के चारों ओर एक कवर बनाता है, सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव।
तो अगर आपको अर्थवर्म के अंदर नवें निकालनी होती है तो हमें उसके थर्ड और फोर्थ सेगमेंट को कंसंट्रेट करना होता है, यानी अर्थवर्म की फैंग्स को कंसंट्रेट करते हुए अगर हम लोग अपने क्या नाम है, अब जो आपने डिसेक्टिंग ऑपरेटर्स काम में लेते हैं उनको काम में लेते हुए फोर्स वगैरह है निबिल वगैरह की सहायता से थोड़ा अगर उसको अच्छे तरीके से करें तो कंप्लीट नर्विंग बहुत इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। फिर वेंट्रल नर्व कोड की बात करें तो वेंट्रल नर्व कोड में हम लोग बात करेंगे कि वेंट्रल नर्व कोड कहाँ पर पाई जाती है। नर्व कोड वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है, एक बात। दूसरी चीज बताएंगे कि यहां पर वेंट्रल नर्व कोड कैसी होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, कैसी होती है, डबल होती है। जबकि कॉर्डेटा का कैरेक्टर क्या है कि डोर्सल सरफेस पर वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, नर्व कोड डोर्सल सरफेस पर, तो डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड है हमारे अंदर। जबकि यहां पर नर्व कोड कहां पर पाई जाती है, वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है, अग्र सतह पर। जबकि मेरे अंदर कहां पर है, पृष्ठ सतह पर। मेरे अंदर कैसी है, खोखली है, पोलो है, जबकि यहां पर कैसी होगी, सॉलिड होगी। यहां पर कैसी है, डबल, जबकि हमारे अंदर कैसी होती है, सिंगल होती है। और यहां पर बताएंगे कि प्रत्येक सेगमेंट में अर्थवर्म के प्रत्येक सेगमेंट में एक सेगमेंटल गैंग्लियोन पाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट में खंडीय गुच्छक देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा इन चीजों को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि भाई कैसे डायग्रामेटिक रूप से इसको हम समझते हैं। देखिए ये प्रत्येक सेगमेंट में हम एक सेगमेंटल गैंग्लिया ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहां पर देखें, यदि हम लोग इसको
ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, और ये हो गया थर्ड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। और ये फोर्थ सेगमेंट को कम करके रखिए, ये कहलाएंगे यहां पर, इसे कहेंगे सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया। ये कहलाता है सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव, और ये कहलाता है सब फेरिंजियल गैंग्लिया, सब फेरिंजियल गैंग्लिया, और ये कहलाते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया। सेगमेंटल गैंग्लिया जो है वो प्रत्येक खंड के अंदर एक गुच्छ पाया जाता है, और यहां से इस तरह से हम नर्व सेल शो कर सकते हैं। ये नर्व सेल या तंत्रिका कोशिकाएं निकलते हुए हम इनसे बता सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग ये जो हमने बनाई, ये तो है नर्व रिंग, और ये यहां से ये कहलाती है वेंट्रल नर्व पोल। तो ये है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, केचुए का तंत्रिका तंत्र। तो हम केचुए का तंत्रिका तंत्र कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि तीसरे सेगमेंट में और चौथे सेगमेंट के अंदर हम लोग क्या नाभिन ड्रॉ कर रहे हैं, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, सब फेरिंजियल गैंग्लिया, इनको जोड़ने वाला, क्योंकि दोनों गैंग्लिया अलग अलग है तो शब्द क्या काम करेंगे, कनेक्टिव, यानी कि सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव कहलाएगा। और यहां पर वेंट्रल नर्व पोर्ट निकल रहा है, ये यहां पर हमने क्या बनाई है वेंट्रल नर्व पोर्ट, और प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर एक गैंग्लियन प्रेजेंट है जिसको सेगमेंटल गैंग्लियन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थवर्म के अंदर अगर आपके जितने सेगमेंट हैं उतने ही यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं। थैंक यू मित्रों, आज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। थैंक यू, थैंक यू।